सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। अम्बाते रायडू और डुप्लेसिस के धमाकेदार शतकीय साझेदारी की बदौलत चेन्नई ने मुंबई को पहले ही मुकाबले में हराया। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आगाज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ हुआ और अपने पहले ही मुकाबले में चेन्नई ने शानदार जीत हासिल की। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से यूएई के अबू धाबी में खेले गए आईपीएल 13 के पहले मुकाबले में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी के लिए उतरे मुंबई के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। इनिंग की पहली ही गेंद पर रोहित ने चौका जड़कर अपने फॉर्म का परिचय दिया, परंतु 12 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर रोहित शर्मा पीयूष चावला की गेंद पर सैम कुरैन को कैच थमा बैठे। उस वक्त मुंबई का स्कोर 46 रन था और महज स्कोर में 2 रन ही जुड़े थे। तब तक क्विंटन डिकॉक भी 33 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर सैम कुरैन के शिकार हो गए, परंतु लंबे समय बाद मुंबई की प्लेइंग 11 में शामिल हुए सौरभ तिवारी ने शानदार खेल दिखाते हुए 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से 42 रन बनाए। यहां मुंबई एक लंबे स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। तब तक जडेजा के एक ही ओवर में डुप्लेसिस के हवा में उछलते हुए 2 कैचेस ने मैच का रुख पलट दिया और मुंबई इंडियंस 20 ओवर्स में 165 रन ही बना सकी। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही। महज 6 रन पर चेन्नई के दोनों सलामी बल्लेबाज शेन वॉटसन और मुरली विजय पवेलियन लौट गए, लेकिन अम्बाते रायडू की धाकड़ बल्लेबाजी और डुप्लेसिस की समझ बूझ ने चेन्नई को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी हुई। अम्बाते रायडू ने 48 गेंदों पर 71 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत ही चेन्नई ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया। चेन्नई की इस जीत पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और हाँ, डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।